देखिए दोस्तों, जब ये घुमा रहे इसको तो इसके पैरों की उंगलियों के ऊपर भी इसका जोर गिर रहा, यानी पैर की उंगली से लेकर सर के कपाल तक। ऐसी कौन सी? जय दोस्तों, जय महाकाल, स्वागत है आपका पहलवान यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में आपका स्वागत है। और आज अपन जानेंगे कि अपने 206 हड्डी यानी अपने बोन्स के बारे में कुछ जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे को कई सारे सवाल आते हैं कि 25 साल के बाद में भी क्या उनका हाइट बढ़ सकती, उनकी लंबाई बढ़ सकती। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि इसमें एक एज रहती, एक एज रहने के बाद में आपकी हड्डी बढ़ती, लंबान में नहीं चौड़ान में उसको हड्डियों को मजबूती आती, वो मोटी हो सकती हड्डी। और कौन सा अभ्यास करने से आपकी हड्डियों में मजबूती आएंगी, कौन से अभ्यास है, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको डाइट बताऊंगा। दोस्तों, आपका जो जिस्म रहता वो एक खुद में एक रहस्य है, लेकिन प्रयत्न करना अपन कि जितना भी हो सके उतना अपन उसको समझने की कोशिश करना। मानव शरीर बना है 206 हड्डियों से, लिगमेंट से, नस नाड़ियों से और मांस से, ऑर्गन से, कई सारे चीज़ें। लेकिन आज अपना विषय है कि हड्डियों को मजबूत कैसा किया जाए, ऐसा कौन सा अभ्यास है जिसके करने से हम अपने 206 हड्डियों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं, मजबूत बना के रख सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे अभ्यास है जो जिसके अंदर बंद कमरों में, एसी रूम में किया जाता है, जिसके अंदर आपको खाली मजल डेवलपमेंट रहता। देखिए दोस्तों, मजल बनता, मजल बनने के बाद उसका साइज भी कम आता, लेकिन क्षत्रिय प्रणाम के अभ्यास में और जो अपनी प्राचीन युद्ध कला है उसके अंदर अपने पूर्वज अपने को ऐसा ऐसा ज्ञान देखे गए जिसके करने के अभ्यास से आपकी हड्डी मजबूत होंगी। गोश जिसम में गोश आने के बाद में वो कम होता, लेकिन हड्डी नहीं होती। ये एक दो दिन का खेल नहीं है, हफ्ते दो दिन का खेल नहीं है, हफ्ते दो हफ्ते, महीने दो महीने का खेल नहीं है। ये लगातार आपको इसका अभ्यास करते रहना है, और इस अभ्यास में आपका आहिस्ता हड्डी के अंदर आपके परिवर्तन आते रहेंगे। यहाँ तक कि आप अगर बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपका गोश्त भले ही कम हो जाए, लेकिन आपकी हड्डी का शेप वैसे ही रहेगा। जैसे कि आप पहले के पहलवानों को देख लिए, आज भी उनकी शोल्डर और उनकी हिम्मत वैसे ही रहती। यहाँ तक के आपके लिगमेंट्स को भी इसके अंदर बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, और आपके जॉइंट्स, आपके लिगमेंट्स, आपकी कमर यानी जितने भी हड्डी से रिलेटेड है उसके अंदर सभी में आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे ब्रह्मचारी लगा रहा है, इसको हमारी भाषा में बोला जाता है सपाटी। सपाटी लगाने से शायद ही आपका ऐसा कौन सा बोन आएगा जिससे आपके अंदर उस कुछ खिंचाव महसूस रहेगा। आपके शरीर के जितने भी लिगमेंट्स हैं, स्पाइन है, रिप्स है, यानी जितने भी जॉइंट्स हैं उसके अंदर इसको आपको ताकत पहुँचेंगी। दो किस्म की एक्सरसाइज रहती है दोस्तों, एक जिम में जो मसल डेवलपमेंट का रहता, और जो अपनी प्राचीन भारतीय कला जिसके अंदर आपका मसल प्लस ऑर्गन्स प्लस बोन के अंदर मजबूती आती है। जिस्म के अंदर आपके सभी ऑर्गन्स प्लस बोन्स प्लस लिगामेंट्स, जैसे कि देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपकी संपूर्ण 206 हड्डियों को ताकत मिलेंगी। झटके का प्रयोग, इसको बोलते हैं सपाटी। दोस्तों, जब आप नीचे जा रहे डन मारते वक्त, तब आपको श्वास फेंकना है कपालभाति करते हुए, जब आप ऊपर की ओर उठ रहे आसमान को देखते हुए भस्त्रिका लंबी छलांग लगाते हुए, यह तो हो गया पहला अभ्यास। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में दोस्तों अपना मुद्गर अभ्यास। दोस्तों, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उछल कूद वाले अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको मैं अभी बताया कि आपका सपाटी हो गया, दूसरे अंदर ये भी जो मुद्गर अपना मुद्गर अभ्यास है उसके अंदर भी अपने को, जिसके अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों के अंदर प्रेशर गिरता। जैसे कि मैं आपको भाई बताऊँगा कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले के तो हो गया इसके अंदर शोल्डर, टोनी, कलाई, और स्पेशली जरा पलटा पलटा पीछे ले करो, पीछे ले करो। जब ये पीछे जाता दोस्तों, तो आपकी सीधा सीधा गर्दन से लेकर कमर, यानी आपकी गर्दन की हड्डी से लेकर आपकी टेल बोन तक इसके अंदर असर गिरेगा। साथ ही साथ आपके लैट्स आगे, शोल्डर तो आए हैं, कमर की जो मसल्स रहती उसको भी फ्री। रिपकेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्पेस मिलता, क्योंकि इसके अंदर अपन भस्त्रिका करते हैं। आरागश,
और हिप केस के अंदर तो अपने को ज्यादा से ज्यादा असर मिलता है, क्योंकि अंदर अपन इसको जब पीछे ले आते हैं इसके अंदर अपन भस्त्रिका करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे घुमा लोअर में अगर आ रहे तो आपके घुटने में घुमा लोअर में अगर आ रहे तो आपका घुटना आपका पंजा यहाँ तक की जरा जूम लो कैमरा पूरा पंजों तक लेके जाओ वहाँ का जब ये घुमा रहे तो अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसा ये खींच रहे यानी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। देखिए दोस्तों जब ये घुमा रहे इसको तो इसके पैरों की उंगलियों के ऊपर भी इसका जोर गिर रहा यानी पैर की उंगली से लेकर सर के कपाल तक। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर भी कौन सी ऐसी हड्डी नहीं है और आपको उछल कूद की जो अभ्यास रहती वो भी इसके अंदर यानी जो वजन उठाना है जैसे कि वेट लिफ्टिंग होगा वो भी आपके हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ जो बॉक्सिंग करते हैं उनके लिए उनकी भी हड्डियां बहुत मजबूत रहती, जो रेसलिंग करते हैं उनके तो टोटली बोन्स के अंदर यानी बहुत से ज़्यादा मजबूती रहती है, उनके बोन्स का स्ट्रक्चर कभी भी ख़त्म नहीं होता कम, उनके बोन्स का स्ट्रक्चर कभी भी कम नहीं होता। दोस्तों जो भी अपने पूर्वज अपने को सिखाए जो भी अपने को पूर्वज अपने को प्राचीन ज्ञान दिए जैसे कि मुद्गर अभ्यास हो गया देशी अभ्यास हो गया इसके अंदर आपके हड्डियों के अंदर इतनी मजबूती आएंगी कि आप बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां किसी जैसे कोई बॉडी बिल्डर हैं वो शर्मा जाएंगा वो लज्जित खा जाएगा। आपके जिस्म में जब चौड़ापन आएगा तो हमेशा के लिए वो बना रहेगा, मसल एक बार बनकर कम होता लेकिन हड्डी मोटी होने के बाद वो कम नहीं होती। और एक बात दोस्तों जब कभी भी आप अभ्यास क्षत्रिय परिणाम का अभ्यास कर रहे हैं या कोई भी अभ्यास कर रहे हैं कभी भी इसको एसी में नहीं करना, क्योंकि एसी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो नहीं मिलता उधर, यहाँ की आपकी सेहत खराब होती है और अच्छे बनाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके अंदर आपकी सेहत खराब होती। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि खुले में करने की कोशिश कीजिए, विटामिन डी का अच्छा सोर्स है सूर्य देवता सूर्य नारायण, और लंगोट पहन के लंगोट पहनना बहुत ज़रूरी जिसम में गर्मी आने के बाद में ही उसके बाद आप क्षत्रिय परिणाम का अभ्यास या जन बैठक का अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ अपने सेवन में अगर बात करें डाइट की कैल्शियम के लिए तो कई सारे लोग बोलते हैं दूध है दही है ये तो है ही है, लेकिन जो जिनके पास इसकी उपलब्धि नहीं है वो मूंगे की फली के पत्ते या भिंडी भी खा सकते हैं या वो कद्दू के बीन्स भी सूखे हुए कद्दू के बीन्सों को पीस कर उसका पाउडर बनाकर भी उसका सेवन कर सकते उबालने के बाद, यानी बहुत अच्छा सोर्स इसके कई सारे विकल्प है कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।